Hey guys, welcome back to another video. दोस्तों अपडेट का सीजन चल रहा है, कुछ ही टाइम में एंड्रॉइड 15 के अपडेट्स आपके डिवाइसेस में देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसमें एंड्रॉइड 14 का अपडेट नहीं मिला है और बहुत सारे डिवाइस में एंड्रॉइड 14 के अपडेट रिसेंटली मिलना चालू है। उनमें से दोस्तों आपका एक डिवाइस है लावा अग्नि 2। अब दोस्तों लावा अग्नि 2 में रिसेंटली एक नया अपडेट रिलीज हुआ है एंड्रॉइड 14 का। और इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद लोगों के साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत लोगों का डिवाइस ऑन भी नहीं हो रहा है। जी दोस्तों, अगर आपके लावा अग्नि 2 में एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिला है तो अगर आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया तो बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखो, उसके बाद ही कोई डिसीजन पे पहुंचना। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इन्हीं बग्स के बारे में और इसके सॉल्यूशन के बारे में कि अगर आपका डिवाइस डेड कर गया है या फिर ऑन नहीं हो रहा है उसका क्या सॉल्यूशन है और बाकी सब जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका क्या सॉल्यूशन है, सब चीजों के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना और मेक श्योर अगर आप लोग चैनल बनाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे टेक वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। आज हम लोग बात करने वाले हैं लावा अग्नि 2 में एंड्रॉइड 14 के अपडेट के बारे में। अब से इसमें फीचर्स एंड बग्स के बारे में बात करूं तो फीचर्स तो बहुत कम देखने को मिले लेकिन बग्स बहुत सारे देखने को मिले। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है ना यहाँ पे ऐड की भी गई है जो कि काफी इंप्रेसिव है, लेकिन यहाँ पे बग्स को देखते हुए ये अपडेट का ना आना ही बेटर था। अब अगर इस अपडेट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले फाइल साइज से शुरुआत करते हैं। तो इस अपडेट का फाइल साइज 2.46 GB का है, यानी कि काफी मैसिव अपडेट है। वहीं दोस्तों अगर सिक्योरिटी पैच के बारे में बताऊं तो अप्रैल का सिक्योरिटी पैच इसमें आता है। और यहाँ पे अगर फीचर्स पर नजर डाले तो फीचर्स कुछ कुछ चीजें चेंजेस की गई है, जैसे कि आपको आइकन्स में कुछ कुछ न्यू आइकन्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे सेटिंग मेनू में भी काफी हद तक चेंज किया गया है। अगर बात करूं यहाँ पे कुछ कुछ नए फीचर्स एड ऑन की तो यहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग विंडो भी ऐड करता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि अब आप लोग फ्लोटिंग विंडो का भी यूज करके एप्स में स्विच कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना इस अपडेट को काफी ज्यादा खास बना रही है। अब से बात करें अगर परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्मूथ हुआ है, एनिमेशन काफी बेहतरीन हो चुके हैं पहले से। लेकिन अगर यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो फोटोज पहले के मुकाबले थोड़े से ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर वीडियो के बारे में बात करूं तो वीडियो में कोई इफेक्ट नहीं है, वीडियो पहले के जैसा ही अभी रिकॉर्ड हो रहा है। दोस्तों बहुत सारे छोटे मोटे और भी इंप्रूवमेंट है जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे बग्स के बारे में। अब सो इस बग्स के बारे में बात करूं उससे पहले आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। अगर आप लोग के स्मार्टफोन में कोई सा भी अपडेट आता है तो तुरंत ही इंस्टॉल मत किया करो। अगर आपके डिवाइस में ऑटो इंस्टॉल ऑन है तो इसको प्लीज ऑफ कर लो, क्योंकि हो सकता है कि ये डिवाइस को आपका खराब कर दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अपडेट का कोई भरोसा नहीं है। आजकल ग्रीन लाइन इशू, मोबाइल डेड, मोबाइल में लैग प्रॉब्लम, जिटर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो कृपया करके अपडेट का पहले रिव्यू देख लेना एक अच्छा सा, उसके बाद ही अपना डिवाइस में इसको इंस्टॉल करना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बग्स के बारे में बताऊं तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारे बग्स एक ही स्मार्टफोन में देखने को मिले। ये वेरियस बग्स वेरियस लोगों द्वारा नोटिस किए गए हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट्स के साथ जो बग्स आए हैं ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है। शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे मेन ऐसे बग के बारे में जो कि यहाँ पे लोग काफी ज्यादा परेशान है, वो है यहाँ पे डिवाइस डेड का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हो तो आपका डिवाइस ऑन ही नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों का डिवाइस तो ब्लैक स्क्रीन पे ही अटक गया है और बहुत सारे लोगों का डिवाइस अगर ऑन भी हो रहा है तो वो सिर्फ बूट लोगों पे ही अटक जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या करना है, इसका क्या सॉल्यूशन है आगे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा हेक्टिक है। सेकंड चीज दोस्तों यहाँ पे वाईफाई रिलेटेड है। वाईफाई को लेकर के मेसिव लोगों के बीच में यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि वाईफाई में यहाँ पे स्लो स्पीड की समस्या आ गई है। बहुत सारे लोगों के वाईफाई में स्लो स्पीड चल रहा है तो बहुत सारे लोगों का वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, जिस वजह से लोग यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जो लोग अगर वाईफाई यूज करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। वहीं पे नेटवर्क के बारे में बात करूं तो नेटवर्क को लेकर के यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी में भी इशू आ रहा है और यहाँ पे डाटा ऑन करने के बाद 5G प्लस बहुत सारे डिवाइस में शो नहीं कर रहा है। अब से यहाँ पे बात करते हैं अगले बग के बारे में जो है यहाँ पे लैग प्रॉब्लम। तो बहुत सारे लोगों को इस डिवाइस में लैग का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस नो डाउट काफी ज्यादा अच्छा है इस बार, एनिमेशन काफी स्मूथ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लैग की प्रॉब्लम आ रही है। अब लैग की प्रॉब्लम क्यों आ रही है तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये डिवाइस अभी हीट करता है। दोस्तों यहाँ पे इस डिवाइस में अभी हीटिंग इशू थोड़ी थोड़ी देखने को मिली है और दोस्तों इस हीटिंग के वजह से आपके डिवाइस का बैटरी ड्रेन भी देखने को मिला है, यानी कि बैटरी में प्रॉब्लम भी कुछ कुछ आ गई है, थोड़ी सी बैटरी ड्रेन देखने को मिली है। वहीं पे यहाँ पे बैटरी में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज वो स्टेक हो जाता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे 88% पे, तो बहुत सारे लोगों का 90% पे ये जाकर के स्टेक हो जाता है, ना उससे ज्यादा चार्ज शो करता है। और दोस्तों यहाँ पे बैटरी नंबरिंग इशू है तो ये डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है जो कि डेफिनेटली यहाँ पे ठीक हो जाएगा अगले अपडेट तक, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा है वो डेफिनेटली एक हीटिंग प्रॉब्लम है, जहाँ पे हीटिंग की वजह से यहाँ पे थ्रोटल कर रहा है फोन और थ्रोटल की वजह से ही यहाँ पे बैटरी ड्रेन की समस्या देखने को मिल रही है। वैसे दोस्तों ये हीटिंग का प्रॉब्लम है ना वो एनवायरमेंटल टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से टेंपरेचर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है एनवायरमेंट का, जिस वजह से ये स्मार्टफोन्स अभी गर्म हो रहे हैं, जिस कारण से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और यहाँ पे बहुत सारे बग्स छोटे मोटे हैं, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ फाइनल सॉल्यूशन के बारे में कि आखिर ये जो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, यानी कि आप लोग का बूट लोगों पे स्मार्टफोन स्टक हो जा रहा है, तो ये इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 3 तरीके से है। सबसे पहला तो आप अपने डिवाइस को उसी तरीके से छोड़ दो। बहुत सारे लोगों का 1.5 घंटे
दो घंटे बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और उसके बाद अगर आपका डिवाइस में ये ऑन नहीं हो रहा है, बहुत देर से छोड़ चुके हो, 3 घंटे 4 घंटे बीत गए हैं, अभी तक डिवाइस ऑन नहीं हुआ है, तो एक काम करना, अपने डिवाइस का पावर बटन और वॉल्यूम बटन को दबा के रखना। उसके बाद एक मेनू खुलेगा जहां पे आप इसको रीस्टार्ट कर लेना। अगर रीस्टार्ट भी काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप लोग को अपना डाटा कुर्बान करना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोग का डाटा इरेज हो जाएगा, यानी कि फैक्ट्री डाटा रिसेट आपको करना पड़ेगा। और इससे भी काम नहीं बन रहा है, इससे भी डिवाइस ऑन नहीं हो रहा है, तो तुरंत भागो सर्विस सेंटर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीजें ठीक करके दे दी जाएगी। अब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पे बात करते हैं, क्या ये अपडेट आपके डिवाइस में आपको भी इंस्टॉल करना चाहिए। तो देखो, चाहे कैमरा डिपार्टमेंट में हो या फिर परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे जो ये बग्स है ना, वो काफी ज्यादा सिरदर्द है। इनमें से एक भी बग्स आपके स्मार्टफोन में अगर आ गया तो आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी जब तक कि इसका नेक्स्ट अपडेट ना आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप लोग अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो कुछ दिन का वेट करो, डेफिनेटली लावा अभी एक नया अपडेट आप लोग के लिए रिलीज करेगी। वैसे दोस्तों कुछ लोगों को ये भी देखने को मिला है कि जिन लोगों ने अपडेट को इंस्टॉल नहीं किया तो उनके अपडेट ऑटोमेटिक गायब हो गए, अब उनको अपडेट शो नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे लावा ने इस अपडेट को अभी पॉज कर दिया है, यानी कि इस अपडेट पे वर्क चल रहा है। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा सा अपडेट मिलने वाला है। जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो उन लोगों को भी एक नया अपडेट रिसीव होगा, उसको इंस्टॉल करने के बाद डेफिनेटली आप लोग के डिवाइस में ये जो बग्स है उनकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा सॉल्व हो जाएगी। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि इस अपडेट को इंस्टॉल करना है नहीं करना है, सारी बातें मैंने इस वीडियो में बता दिया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, ढेर सारा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।